योगी मोदी शिकारी है या शिकारी, ये दोनों शिकारी है। ये किसान की फसल बर्बाद हो गई, डीएपी इतना महंगा कर दिया, 5 किलो वजन भी घटा दिया। जब जंगली कोई शिकारी आदमी जानवरों को पकड़ता है, पहले उसको दाना घास डाटा चुगने के लिए। अगर बीजेपी सफाई होनी चाहिए, सफाई होगी निश्चय होगी। और अपने आप को ये हिंदूवादी राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, रह गई और अब जगह जगह खाली है और लड़के बेरोजगार करते हैं। आज का युवा परेशान है, जो भी वैकेंसी निकलती है उसका पर्चा लीक हो जाता है कि पकौड़े तलो। बेरोजगारों पे जो अपने हक की मांग कर रहे हैं उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। योगी सरकार इतनी मजबूत सरकार है, इतनी अच्छी सरकार है, देखिए इसमें हमारी बहन बेटियां इतनी सुरक्षित हैं, चोरी सारी बंद हो गई। लाठी और टार्च पकड़ा दी उन्होंने, एक चौकीदार किसान को अपॉइंटमेंट कर दिया कि आप जाकर के खेत रखाइए, आप यही आपको रोजगार है। सरकार को बदलनी चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 112 है वो नाम, ये तो नाम बदलने की सरकार है, ये तो नाम बदलने की सरकार है। तो लगातार चुनावी सर्वे और चुनावी संग्राम का ये जो सर्वे है ये लगातार जारी है। और इसी बीच हम लोग सियारी लद्दा पहुंच चुके हैं, अब दोपहर से निकले थे और शाम हो चुकी है। और इस सर्वे में आपको क्षेत्र की हकीकत पता चलेगी कि आखिर यहाँ पर माजरा क्या है। चाचा क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल से आप देख रहे हैं जी, क्या खूबियां हैं और क्या नुकसान है? सबसे ज्यादा तो किसान विरोधी, किसान के फसलों का उचित मूल्य नहीं मिला सरकार में और किसान की फसल बर्बाद हो गई। आवारा पशुओं द्वारा कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई। आपको बीच में रोक रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय को दोगुना कर दिया। किसान की कोई आय दोगुना इस प्रकार कर दी गई, डीएपी इतना महंगा कर दिया, 5 किलो वजन भी घटा दिया, ये दोगुनी वाली कौन सी वो है। बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया कि जो किसान मान लो जो पिछली सरकारों में बिल हम 600 रुपए देते थे, आज किसान 8,000-8,000 रुपए प्रति माह नलकूप का बिल दे रहा है। मतलब सिंचाई के नलकूप का जो बिल मामला है वो आप चाहते हैं कि उसमें 8,000-8,000 रुपए प्रति माह आ रहा है। इस स्थिति में किसान क्या नलकूप चला पाएगा? पूर्व की सरकारों में क्या बिजली का बिल नहीं जाता था किसानों का? बिजली का बिल जाता था उसमें, लेकिन 600 रुपए प्रति माह था, आज 8,000 रुपए प्रति माह बिल आ रहा है। तो इस इतना बिल किसान कैसे बहन कर पाएगा? तो क्या लग रहा है अभी देश में कैसा माहौल है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उन चुनावों को लेकर के प्रचार भी जारी है और लोगों का काम भी जारी है। आपको क्या लगता है ऐसे में किसकी सरकार आएगी? इसमें तो परिवर्तन तो निश्चित है, भाजपा तो इस प्रदेश से हटेगी। अच्छा, अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश की सरकार की यहाँ पर मांग जो है लोग कर रहे हैं। बाबा आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हरलाल सिंह। हरलाल सिंह जी बताइए, आप अपने दौर की कुछ बात बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे, ये सरकारें अच्छी हैं, पूर्व की सरकारें अच्छी? पहले तो मेरी बात सुन लो जी। जब जंगली कोई शिकारी आदमी जानवरों को पकड़ता है, पहले उसको दाना घास डाटा चुगने के लिए। अच्छा। और फिर बाद में वो बेचारे दाने के मुंह में फंस जाते हैं। यही सकता बीजेपी का है, इस वक्त जनता का रुझाना का दो दफा राशन और ये वो ये दाना चुंगा रहे हैं और जनता भोली भाली ऐसे कुछ समझ तो रही है लेकिन वो बेचारे फंस रही है। अच्छा, तेल के भी दाम अभी अभी घटाए सरकार। ये योगी मोदी शिकारी है या शिकारी, ये दोनों शिकारी है ये। अच्छा, लेकिन अभी अभी देखो तेल के दाम भी घटाए हैं और गन्ने की कीमत भी बढ़ाई है। पहले से क्यों ना घटाए, पहले से घटा दीजिए। और शुरू में शुरू में एंड टाइम में क्यों घटा रहे हैं? जब मुर्दा समतान मरो तब दबा जा रहे हैं जी, मुर्दा समतान तब दबा जा मर गया तब। अच्छा, तो क्या लग रहा है देश का हालात भाई? अब तो ये है कि बीजेपी की सफाई होनी चाहिए और सफाई होगी निश्चय होगी। बीजेपी की सफाई होनी चाहिए और बहुत दिन तक सफाई रहेगी इनकी, जो सरकार नहीं आवेगी इस बहुत समय तक। क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार घट रहा है क्या या बढ़ रहा है? घट रहा है। कैसे? ऐसे कोई काम निश्चय कुछ कहते करते हैं और करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ, मतलब वादे जो है वो हवा हवाई है जी। तो क्या आपको लगा? अब ये लगा के SSC में ऐसे ये लड़के भर्ती में जाते हैं, अब भर्ती निकलती तो है नहीं, भर्ती रह गई पीछे, किसी की एज हो जाती है, किसी कुछ हो जाती है। अब किसी के तो एज ओवर हो गई, वो जाई में लटक गया, किसी का कुछ हो गया। अब ये बताओ भर्ती निकलती है तो किसान का बेटा फौज में ही तो जाता है? ज्यादातर सब किसान का ही बेटा। कौन से विधायक का, एमएलए का, एमपी का जाएगा? अब SSC की जे सब जगह खाली रह गई और अब जगह जगह खाली है और लड़के बेरोजगार कर दिए। तो बेरोजगार कैसे नहीं होंगे बाबा? तो ये देश में निजीकरण का को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को लगातार बंद किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो ऐसे में तो कहां सरकारी नौकरियां निकलेगी? क्या कहते हैं आप इस विषय में? निजीकरण देखो, निजीकरण में इन्होंने हवाई अड्डे निजीकरण में दे दिए,
हवाई जहाज निजीकरण में दे दिया, रेल भी निजीकरण में दे दिया, तो बेरोजगारी तो बढ़ी है। आज का युवा परेशान है, जो भी वैकेंसी निकलती है उसका पर्चा लीक हो जाता है। इस समय में युवा की हालत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है और इन्होंने किसान को परेशान किया है। 13 महीना किसान बॉर्डर पर रहा, उसके बाद अगर इन्होंने निर्णय वापस, ये इनका जो 3 कानून बिल थे, काले कानून इन्हें लेने थे वापस, तो जब ही ले लेते। अभी इसमें 700 किसानों की मौत हो गई वहाँ बॉर्डर पे, उसका मतलब इन्होंने एक बार भी बॉर्डर पर आकर के ये नहीं देखा कि हमारे किसान इतने गुजर गए, इनकी मतलब हम कुछ इनको संतरा बना सकें, मतलब असंवेदनशील सरकार। हाँ जी, मैंने सही सरकार, जबकि इन्होंने 2014 में, 2017 में, 2019 में किसानों ने भर पूरा प्रयास करके ने पूर्व भूमि सरकार दी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोरा नहीं है, वोटिंग ऑफ परसेंटेज बहुत बड़ा था उस समय। और आज किसान को जो अनंत तक कहते हैं, इसके लिए अनंत तक कहते हैं, उसके लिए इन्होंने 13 महीना में बॉर्डर बिठाए रखा, और उस सर्दी में, उस बरसात में, उस गर्मी में, वो तो उनसे पूछो उन्हें कितनी दिक्कत झेली है। आपके गांव से भी कुछ लोग शामिल थे? हाँ, हम भी गए थे वहाँ। आप भी गए? हाँ, हम भी गए थे वहाँ पे, तो कितनी दिक्कत झेली इन्होंने रास्ते में, मतलब पानी की बौछार, कीले। इस वक्त चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपके साथ, क्या है बदलाव की बात? बदलाव है, हम बदलाव चाहते हैं। जो इनको टक्कर दे रहेगा वहाँ किसान का सपोर्ट जाएगा, जो इनको टक्कर देगा वोट वहाँ जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी सुमित शर्मा। सुमित शर्मा जी, ये बताइए कि जैसे कि अभी आप चर्चा में सुन रहे हैं, लगातार लोग सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे में मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि अखिलेश यादव ने एक बात कही है कि जो सिंचाई वाला जो किसान है उसको जो बिजली है वो मुफ्त देंगे सिंचाई के लिए, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोटिंग ऑफ परसेंटेज नहीं। योगी सरकार इतनी मजबूत सरकार है, इतनी अच्छी सरकार है, देखिए इसमें हमारी बहन बेटियां इतनी सुरक्षित हैं। पहले इतनी चोरी होती थी क्षेत्र देहात में, तो ढोर कासगंज और हाथरस में क्या हुआ? अगर बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, वो है उनकी कुछ ढिलाई होगी, वरना इतना अच्छा कानून है सरकार का। कानून अच्छा, चलिए ठीक है। अभी जो पीछे एक टेट की परीक्षा लीक हो गई थी, योगी सरकार ने इतना कड़क उसमें कानून लागू किया था कि सबकी हवा टाइट हो गई थी। बिल्कुल उस समय, और अभी शायद वो दोबारा परीक्षा, हाँ अब दोबारा वो परीक्षा होनी है, तो काफी मजबूत सरकार है और सरकार यही रहेगी और यही रहनी चाहिए, आपके हिसाब से आनी चाहिए बीजेपी, योगी सरकार। क्या क्या मुद्दे हैं विशेष जो आपको इस सरकार से जोड़े रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, एक तो विकास है। क्या विकास? क्या वही विकास? यही है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। चलिए, वो तो हाथरस और कासगंज हो गया, चोरी सारी बंद हो गई। आपके गांव में चोरी नहीं होती? वो हुई है, आपके आसपास चोरी होती है? और आजकल किसान लाठी और टार्च पकड़ा दी इन्होंने, एक चौकीदार किसान को अपॉइंटमेंट कर दिया कि आप जाकर के खेत रखाइए, आप यही आपको रोजगार है, मतलब इससे ज्यादा जानवर नहीं आ रहे आजकल? अब जानवर तो आते हैं, बताओ, जानवर भी तो हमारे ही हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे उन्हें? शर्मा जी लगातार काउंटर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जानवर भी हमारे, कोई बात नहीं। अगर कानून व्यवस्था मजबूत हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हाथरस की जो हमारी दलित बेटी है उसके साथ अत्याचार क्यों हुआ, उसकी डेड बॉडी को घर वालों को क्यों नहीं दिया गया? ऐसा प्रदेश की में पहली बार हुआ है जो मतलब उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को नहीं दी गई और रात को प्रशासन के द्वारा उनको मिट्टी तेल डालकर जला दिया गया। क्या जवाब देंगे आप यादव जी की इस वाली बात का? शर्मा जी, कुछ नहीं, लेकिन ओपिनियन क्या है इसमें? आप कह रहे थे ना कि महिला सुरक्षा की बात हम इस सरकार में हुई है, तो अभी दलील दी है आपको कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हादसा तो हुआ है बहुत बड़ा, और हुआ है बड़ा देश का हादसा है, जैसे निर्भया का कभी कोई कांड हुआ वैसे ही इस तरह की आवाज जो है हाथरस से भी आई थी, कासगंज से भी आई थी, और भी कई जगह है ऐसी जहाँ से, लेकिन हम इसी पे बात कर रहे हैं। हुआ है, लेकिन आप बताइए कि किन मुद्दों पे योगी जी की सरकार आनी चाहिए? बस जो मैंने बता दिया वही है, कहने का मतलब साफ है कि विकास का जो विजन है वो बात तो होती है कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास का क्या मतलब है ये शायद हम लोगों को अभी तक नहीं पता। विकास का मतलब है रोजगार होना चाहिए, विकास का मतलब है भुखमरी कम होनी चाहिए, विकास का मतलब है कि बस्ती का, देश का आखिरी बच्चा शिक्षित होना चाहिए, विकास ये कि दलित नाम का जो शब्द है वो देश से खत्म होना चाहिए, और उन लोगों के साथ जो हैरेसमेंट है वो खत्म होना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी, जी क्या लग रहा है आपको, सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार तो बदलनी चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 2017 में जो बीजेपी सरकार आई तो इनका जो संकल्प पत्र था, अधिकतर पार्टियां जो घोषणा पत्र करती हैं, वादे करती हैं, पर इनका संकल्प पत्र था और अपने आप को ये हिंदूवादी राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, और इन्होंने संकल्प लिया था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तो वो तो कहते हैं हमने किए दोगुनी, किसान की आय दोगुनी कर देंगे, कह तो रहे हैं, पकौड़े तलो, पकौड़े तलो,
ये स्वरोजगार है। अभी भी घोषणा पत्र शायद आया है, आपने देखा होगा, उसमें कहीं भी रोजगार की बात नहीं है, स्वरोजगार की। ठीक है साहब, के पकौड़े तलो, बेरोजगारों पर जो अपने हक की मांग कर रहे हैं उन पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं। सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो निजीकरण में दे दिया, शिक्षा विभाग निजीकरण में दे दिया, रेलवे निजीकरण में दे दिया, BSNL निजीकरण में दे दिया। समझे साहब, कहते हैं कि अगर हम निजीकरण में दे देंगे तो काम बढ़िया होगा। किसकी सरकार आनी चाहिए जी? जो रोजगार, जो रोजगार की बात करेगा, कौन कर रहा है रोजगार की बात है? कोई भी करे, अखिलेश यादव करे, अगर रोजगार देंगे तो उनकी बात आएगी। जो शिक्षा की बात करेगा, सुरक्षा की बात करेगा, वो तो कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार तो गुंडों की सरकार है। बिल्कुल नहीं, किसे गुंडा कहते हैं? आप NCRB रिपोर्ट आप जानते होंगे, हमें इतनी जानकारी नहीं है। NCRB रिपोर्ट देखी है आपने? नहीं। इस बार का जो क्राइम का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया, बीती सरकार में इससे कम से कम 30% ज्यादा है। अब बढ़ गया है, अब बढ़ गया है। आप जो 2017 से पहले का देखें और अब देखें, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, कितनी लूट हुए हैं। समझे साहब, 100 डायल अखिलेश ने चलाई। समझे साहब, 108 112 है वो। तो नाम, ये तो नाम बदलने की सरकार है, ये तो नाम बदलने की सरकार है। जो अपने रोजगार मांगे, कई बड़े काम किए उन्होंने। एक बहुत लिबर्टी जो स्टेच्यू है अमेरिका की, उसकी तर्ज पर माननीय पटेल जी की मूर्ति बनाई, 33,000 करोड़ रुपए की मूर्ति, वो काम नहीं है क्या? बिल्कुल काम नहीं है। सबका साथ सबका विकास जो है, इनका केवल अपना विकास है, साथ सबका है पर विकास अपना है। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, पब्लिक के मन की कोई बात नहीं करते हैं। अच्छा, मैं शर्मा जी से एक सवाल लेना चाहूँ। शर्मा जी, देश में नाम बदलने की प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है? मतलब इससे क्या विकास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा ये कुछ है, नाम बदल की सरकार, इससे क्या मतलब हो गया? अरे सरकार बड़े नाम बदले गए शहरों के, उससे रेलवे स्टेशनों के, वो कारण क्या है? मतलब क्यों बदलते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है? वो अच्छा किया उन्होंने, अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया है, बदलना चाहिए। मतलब बदलना चाहिए, सरकारें भी बदलनी चाहिए, नाम भी बदलना चाहिए, क्षेत्र का विधायक भी बदलना चाहिए, चेयरमैन भी बदलना चाहिए, प्रधान भी बदलना चाहिए। तो माननीय पत्रकार बंधु जी से एक निवेदन है कि आप 2017 से पूर्व जब समाजवादी की सरकार या कोई भी सरकार थी, उस समय का आप डाटा एकत्र करें, आपके पास शायद होगा, आपके संज्ञान में होगा। किस चीज का डाटा? मैं बता रहा हूँ कि कितने विधायक, यदि हम किसी भी पार्टी का जब जनाक्रोश होता है, उसका विरोध होता है, तो विरोध पर जितने आज के टाइम में टीवी चैनल या सोशल मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है कि कितने विधायकों को समाजवादी में दौड़ाया गया, कितने विधायक इस समय दौड़ा दौड़ा करके भगाए जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? इतना जनता में विद्रोह क्यों है? फिर हम लोग क्यों, ये सरकार अभी तक कुंभकर्णी नींद क्यों सोई हुई है, ये जाग नहीं पा रहे? राजनाथ जी कह रहे हैं गाजियाबाद में कि भाई जूते मत फेंको। कितने विधायक, कितने सांसद पश्चिम से लहर उठ रही है, क्यों इतना आक्रोश? यदि आप मान लो अपनी उस पर बादों पर खड़े उतरे हैं, आप हर चीज पर अपने जगह पर खड़े हैं, तो इतना विरोध क्यों हुआ? विरोध सहने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। यदि हम गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसका हमें एनालिसिस करना चाहिए, अपनी गलती का एहसास करना चाहिए कि हमारी कमी क्या है, क्या रीजन है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं। अच्छा, ये बताएं कि पिछली बार वोट किसको गया था आपका? पिछली बार अधिकांश लोग भावनाओं में बह गए, बीजेपी को वोट किया। यादव समाज का बड़ा, यादव समाज का भी एक हिस्सा बहुत है। ये बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों को ही सर्वधर्म सब समाज का वोट मिला था। यादवों का वोट मिला, जाटवों का भी उसमें वोट मिला। अब ये जो वोटर है, ये वोटर वापस अपनी अपनी जगह पर पहुंच गया है। हमारे भ्रमण से हमें ये जानकारी मिलती है कि अब ये वोटर 100% तौर पर अपनी अपनी पार्टियों में या अपने अपने दलों में लगभग पहुंच चुका है, मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी जमीनी सर्वे कर रहा हूं, और अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। हाँ, कुछ परसेंट, कुछ चीटा वोट जो हमेशा से सबको मिलता है, वो जरूर लोगों को मिल रहा है। तो ये बड़ी बात है, और कारण है इसका सिर्फ और सिर्फ क्या? झूठे वादे और सिर्फ दिलासा देने वाली सरकार। मतलब राजनीति हिंदू मुस्लिम की है, वो नहीं चलेगी। जो इनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है, मतलब बांटने की राजनीति, वो नहीं चलेगी। पब्लिक समझ रही है, अब मंदिर हर गांव गांव में बना दें, उससे क्या रोटी मिल रही है? जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक रोटी नहीं मिलेगी हमें। क्या शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने बांटा लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बांटा, वो तो सबको लेके चल रही है। हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई भेदभाव वाली भावना नहीं है। आज भी स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे, उनका बयान है मेरे पास, वो कह रहे थे कि भैया राम मंदिर नहीं बनता अगर हम नहीं होते। क्या ये मुमकिन है? ये बिल्कुल जी ने तो गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, तो ये सही बात है, सही बात है, नहीं बनता। तो इसका मतलब ये कि मुद्दों की बात नहीं है, इसलिए धर्म और ध्रुवीकरण की बात हो रही है बस। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको सरकार लेके चल रही है बराबर। मंदिर तो हाईकोर्ट का जब आदेश हुआ है तब वो बनने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। रही बात विकास की, आप बिलारी क्षेत्र में देखिए बीजेपी सरकार का कितना विकास है, आज तक एक ईटिया नहीं लगी है कहीं भी। हमने भी हर साल वोट दिया है बीजेपी को,
पिछली बार सिगरे गांव ने एक तरफा वोट दिया था। क्षेत्रीय विधायक ने कैसा काम किया हालांकि सरकार में नहीं? क्षेत्र विधायक ने खूब किया, हमारे गाँव में सीसी सब उसी की देन है और अब फिर सारा गाँव उसी को वोट चिल्ला रहा है। सुना अखिलेश यादव आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं साहब, बिल्कुल आ रहे हैं। कारण क्या है, क्या यादव वोट कट रहा है इसलिए आ रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं कट रहा है, यादव वोट अपनी जगह है। तो फिर अपने घर में आ रहे हैं क्या? जी हां बिल्कुल अपने घर में। विधानसभा क्षेत्र माननीय अखिलेश जी का घर है। अभी मेरठ से जब वो आ रहे थे और उनपे जो फायर कर दिया था किसी ने, उसका तुरंत जो ऑब्जेक्शन उठा, तुरंत अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने जो है उन्हें जेट प्लस सुरक्षा दे दी। उन्हें ये तो अच्छी बात है, उनको मतलब सुरक्षा कवर दे रहे हैं। नहीं तो वो उन्हीं के छोड़े हुए हैं वो, विकास है ना? हाँ तो उन्हीं के छोड़े हुए तो हैं, वोट काटने के लिए तो राजनीति, यही तो राजनीति है, यही तो हाँ वोट सब समझ रहा है। इस बार तो जनता ने अपना जो निर्णय ले लिया, एक 13 महीने किसानों की 13 महीने किसानों की ट्रेनिंग हुई है बॉर्डर पर और किसान को सब पता है क्या करना है, किसानों की ट्रेनिंग हुई है 13 महीने और किसानों को सब पता है कि वोट कहाँ जाना है, किसकी सरकार बनानी। कहने का मतलब साफ है कि लोगों ने सब देखा है। और हाँ एक बात कह दूं कि ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं, हालात क्षेत्र में लग रहे हैं। इस बार शायद ये लोग मन बना करके आए हैं क्योंकि ये भाजपा का ही वोटर था जो 2017 में उनकी पार्टी को मिला था। इस बार ये वोटर वापस अपने अपने दलों में लौट चुका है और शायद परिवर्तन की मांग कर रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि फैक्टम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।